हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। ऑथर कहते हैं कि लक ये वर्ड जितना डिजर्व करता है इसे उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ किस्मत के भरोसे आप कभी भी उन ऊँचाइयों को नहीं छू सकते। लेकिन किस्मत के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स हम MS धोनी के अंदर देख सकते हैं और उन सभी क्वालिटीज़ के बारे में जानकर हम भी अपने अंदर के चैम्पियन को बाहर ला सकते हैं। धोनी जब फील्ड पर अपने टीम को लीड करते हैं तो वे चैम्पियंस वाले इनविजिबल सिग्नल्स रेडिएट करते हैं जिसे मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऑथर ने धोनी को डिस्कवर करने के जर्नी में उनके अंदर के 5 किलर ट्रेट्स को पाया जो उन्हें एक ट्रू चैम्पियन बनाते हैं, और ये उनकी सारी क्वालिटीज़ बहुत ही आसान और अचीवेबल हैं। वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर पहले से ही होती है, बस हमें उन्हें पहचानना है। ऑथर ने सौरभ गांगुली से जब धोनी के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो धोनी को एक ऑर्डिनरी प्लेयर से अलग बनाते हैं, तो सौरभ गांगुली ने ऑथर को उनके क्रिकेटिंग स्किल्स के बारे में नहीं बताया कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह अपने आप को ट्रेन किया है बॉल को ज़ोर से मारने के लिए, बल्कि उन्होंने धोनी के शानदार मेंटल स्किल्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धोनी का मेंटल प्रोग्रामिंग सिर्फ उन्हें एक सक्सेसफुल प्लेयर ही नहीं बल्कि एक चैम्पियन खिलाड़ी भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं धोनी के पहले किलर ट्रेट के बारे में, जो कि है द राइट एटीट्यूड। एक बार धोनी और उनके फ्रेंड्स दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। उनके फ्रेंड्स कार को तेज़ी से एक्सीलरेट कर ड्राइविंग को बहुत इंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक कार आ गई जिससे वे टकराने वाले थे, और उनके फ्रेंड ने तेज़ी से ब्रेक्स लगाई और सभी बाल बाल बच गए। तब धोनी ने बहुत ही कामनेस से कहा, जब लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है तो तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हारे पास अच्छी फैमिली है, अच्छा बिजनेस है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर अभी कुछ हो गया तो पुलिस और मीडिया आएगी और तुम अननेसेसरी परेशानी में पड़ जाओगे। अगर उनके फ्रेंड्स की माने तो उस समय सभी की जान हलक पे आ गई थी, लेकिन अगर उस समय धोनी की पल्स चेक करते तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल होती। धोनी ने ये एटीट्यूड टाइम, अवेयरनेस और कन्विक्शन के साथ अक्वायर किया है। इस वीडियो में अब हम धोनी के 2 विनिंग सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, और उनका पहला सीक्रेट है लगातार पॉजिटिव रहना। धोनी की वजह से आज रांची को दुनिया भर के लगभग हर क्रिकेट फैंस जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रांची में क्रिकेट के नाम पे कुछ भी नहीं था, ना अच्छे ग्राउंड्स, ना अच्छे इंस्टीट्यूट्स, और यहाँ के बच्चों को टेनिस बॉल से भी खेलना पड़ता था। लेकिन इस सिचुएशन में भी धोनी ने हार नहीं मानी और उन्होंने इन सभी मुसीबतों को कभी अपने रास्ते में टिकने नहीं दिया। धोनी जब अपने रणजी के इनिशियल डेज में थे तो उन्हें जॉन्डिस और हैंड इंजरी एक साथ हो गया। इस समय उनके कोच ने उनसे पूछा कि अब आगे क्या। धोनी ने कहा कि जॉन्डिस और इंजरी, इन दोनों के साथ खेल पाना इम्पॉसिबल सिचुएशन है, लेकिन कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे। बाद में जब उनके कोच बैनर्जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें डर था धोनी भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो मुसीबतों से हार मान जाते हैं, लेकिन वो गलत थे और धोनी एक बार फिर सभी का दिल जीतने वापस आ गए। इससे हम ये सीख सकते हैं कि सिचुएशन लगभग हर किसी के लिए सेम होते हैं, लेकिन रिएक्शंस हर किसी के अलग अलग होते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम सक्सेसफुल या फेल होते हैं। दूसरा सीक्रेट है हार्ड वर्क इन धोनी स्टाइल। जब आप एक शॉट को कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करते हैं तभी आप उस शॉट के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिना मेहनत के मिलता है वो एक फेक कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा धोनी कहते हैं। धोनी गली क्रिकेट में भी अपनी टीम के कैप्टन हुआ करते थे, और उनके दोस्त वसीम जो दूसरे टीम के कैप्टन हुआ करते थे वो बताते हैं कि ऐसे ही एक जनरल मैच के पहले धोनी ने वसीम से कहा, वसीम भाई अब जो करना है कर लो, मैच तो मेरी ही टीम जीतेगी। वसीम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मेरे टीम में ज़्यादा अच्छे बैट्समैन और बॉलर्स हैं। तो धोनी ने कहा कि हो सकता है कि आपके पास अच्छे प्लेयर्स हो, लेकिन मेरी टीम को ये पता है कि मैच कैसे जीतते हैं। नेक्स्ट डे जब मैच के लिए उनके दोस्त जब धोनी को बुलाने उनके घर गए तो उनके फादर ने बताया कि वो सुबह 10 बजे ही बैट और बॉल लेकर घर से निकल गए, जबकि मैच शाम 3 बजे था। धोनी के फ्रेंड्स जब ग्राउंड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो ग्राउंड पर सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे धोनी के राइट एटीट्यूड यानी पॉजिटिव माइंड और हार्डवर्क ने उन्हें कैसे सक्सेसफुल बनने में हेल्प किया। इस वीडियो में इस बुक की सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है,
तो अगर आप इस बुक के कंटेंट के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप उसे वहाँ से खरीद भी सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये इस सीरीज का पहला वीडियो था। धोनी के सक्सेस सीक्रेट्स के ऊपर 5 वीडियोस की सीरीज इस चैनल पर आगे आएंगी। लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज और रिव्यूज मैं इस चैनल पर लाते रहूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आखिरी में ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।